Hello students, I welcome you all in this online teaching learning process. Today we have started our last unit of engineering metrology subject, and the unit name is other measurement. It's having 14 marks weightage in MSBTE examination. So in this unit we have gone through two parts. First part is surface finish measurement, and another one is testing techniques. So let's start with surface finish measurement. So in surface finish measurement, before proceeding to this lecture, just we recall our previous lecture. In previous lecture, we understood concept of sine bar in angular measurement, limitations of sine bar and uses of sine bar. So today's learning outcome: use of surface finish measurement in engineering application. You are able to know the use of surface finish measurement in engineering applications, differentiate between rough and smooth surface, analyze the data obtained by surface finish instrument. So program outcomes are PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, 9, 10. These are the program outcomes, and PSO2 and PSO3, these are the program specific outcomes we have achieved with this topic. तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन के साथ. तो सरफेस फिनिश मेजरमेंट क्या होता है? तो देखिए, आप लोगों ने सरफेस फिनिश के बारे में सुना होगा. सरफेस फिनिश एक तो बहुत स्मूथ सरफेस को कहा जाता है, या फिर बहुत ही रफ सरफेस, है ना. ये अलग अलग टाइप के सरफेसेस आपने देखे होंगे. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा इसका. आप लोगों ने क्रिकेट खेलते हो, बचपन से खेलते आए हो, तो देखिए उसमें बैट और उसका हैंडल जो होता है, तो दोनों का सरफेस आप लोगों ने हाथ से टच करके देखा हुआ है कि उसका बैट का जो सरफेस है वो कैसा होता है और हैंडल का सरफेस कैसा होता है. तो देखिए, बैट का सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है ना, और जो हैंडल का सरफेस होता है वो रफ होता है, बराबर. ये देखा है आप लोगों ने. अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है रफ और स्मूथ की? तो क्यों ऐसा है? क्योंकि बैट का जो हैंडल है, ग्रिप है, वो हमारे हाथ में फिट होना चाहिए, यानी फिसलना नहीं चाहिए. इसके लिए उसका जो सरफेस किया जाता है वो रफ किया जाता है उसमें. और जो बैट का सरफेस होता है वहां पे बॉल अड़ना नहीं चाहिए, वो टच होते वक्त बस वहां से स्किड होना चाहिए. इसलिए उसका बैट का जो सरफेस है वो स्मूथ बनाया जाता है, ठीक है. अब ये रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, इनका इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज है. हर सरफेस का, ऐसा नहीं कह सकते हम कि बहुत रफ सरफेस की जरूरत नहीं होती, या बहुत स्मूथ सरफेस की जरूरत होती है, या फिर स्मूथ सरफेस की जरूरत नहीं होती, रफ सरफेस की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता है. एज पर एप्लीकेशन दोनों सर्फेसेस का यूज है. जैसे मैंने अभी बैट का एग्जाम्पल बताया आपको, या दूसरा एग्जाम्पल एक और बताता हूँ मैं आपको. आपके घर में, किचन में हम लोग टाइल्स लगाते हैं और बाथरूम में हम लोग टाइल्स लगाते हैं, तो दोनों टाइल्स, दोनों भी चीजें क्या है, टाइल्स ही है. लेकिन देखिए, किचन की जो टाइल्स होती है वो स्मूथ होती है, और बाथरूम की जो टाइल्स होती है वो रफ होती है. ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि किचन की टाइल्स में जब हम लोग खाना बनाते हैं तो जो ऑयल के पार्ट्स वगैरह, जो पार्टिकल्स उड़ते हैं कढ़ाई में से, वो उस सरफेस के ऊपर जाके चिपकते हैं. तो जब हम उसको साफ करते हैं तो वो आसानी से उसमें से निकल जाते हैं, इसलिए वहां पे यूज किया जाता है स्मूथ सर्फेसेस का. और बाथरूम की बात अगर हम लोग करते तो बाथरूम में साबुन का वगैरह पानी होता है, और साबुन का पानी होने की वजह से अगर वहां पे स्मूथ सर्फेस रहा तो अगर हम लोग वहां के ऊपर चलेंगे तो फिसलने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इसलिए वहां पे रफ सरफेस यूज किया जाता है. समझ में आया दोस्तों? सो देखिए, ये दो एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि इन हमारे डे टू डे लाइफ में स्मूथ सरफेस का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रफ सर्फेसिस का है. मतलब दोनों सर्फेसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही इंजीनियरिंग फील्ड में भी दोनों सर्फेसिस का इंपॉर्टेंट इक्वल है. सो हमें इस टॉपिक में ये दोनों सर्फेसिस के बारे में पढ़ना है. अब एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं आपको. तो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, ठीक है ना. अब ये स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस क्या होता है, ये अपने को इस टॉपिक में से पढ़ना है, ठीक है. और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है उसको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, उसका वैल्यू कितना होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग इस टॉपिक में अभी पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन में देखिए, रिपीटेटिव और रैंडम डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस व्हिच फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द सरफेस, सरफेस टेक्सचर इंक्लूड रफनेस, वेविनेस, लेज एंड फ्लॉज. अब देखिए, ये स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस होता क्या है? तो या ये जो रफनेस है, सबसे पहला जो वर्ड है रफनेस, रफनेस क्या होता है? देखिए क्या है कि एक अज्यूम करिए कि स्ट्रेट सरफेस है,
तो वो कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसी में अगर हिल्स और वैलीज आती है छोटी, कहीं पे ऊंचाई कहीं पे नीचाई, ऐसा ना मेन लाइन से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये जो सरफेसेस होता है उसको कहा जाता है सरफेस रफनेस। अब ये जो मेन लाइन से ऊपर नीचे जो होते हैं, जैसा देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये जैसा एक मेन लाइन है, ऐसा स्ट्रेट मेन लाइन है, लेकिन सरफेस रफनेस कैसा होता है, कभी इससे छुपा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। अभी अगर हम इस सरफेस को बोलेंगे तो बोलेंगे स्मूथ सरफेस है या प्लेन सरफेस है, लेकिन ये जो सरफेस है इसको हम लोग प्लेन प्लेन सरफेस बोल सकते हैं क्या? ये जो सरफेस है इसको हम लोग प्लेन सरफेस नहीं बोल सकते, ये सरफेस को हम लोग वर्ल्ड में ऐसा बोल भी सकते हैं कि प्लेन। अभी प्लेन क्यों नहीं है, तो ये प्लेन इसलिए नहीं क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा गया मीन लाइन, और इसके ऊपर नीचे जो ये हो रहा है इसको कहा जाता है हिल्स। जो मेन लाइन के ऊपर डोम्स होते हैं उसको कहा जाता है हिल्स, और मेन लाइन के नीचे जो डोम्स होते हैं उसको कहा जाता है वैलीज। अब ये हिल्स और वैलीज की जो स्पेसिंग है इसके ऊपर से सरफेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये सरफेस किस तरीके का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। एवरी पार्ट सरफेस इज मेड अप ऑफ टेक्सचर एंड रफनेस व्हिच वेरीज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड द पार्ट स्ट्रक्चर इटसेल्फ, मतलब हर पार्ट के ऊपर उसका टेक्सचर होता है और रफनेस होती है, आप उसको स्मूथ बोल सकते हैं, उसको रफ बोल सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये हिल्स वैलीज का कितना उसके ऊपर स्पेसिंग है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर। प्राइमरी टेक्सचर को कहा जाता है रफनेस और सेकेंडरी टेक्सचर को कहा जाता है वेवीनेस। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें होती क्या है। तो ये सरफेस मेथड्स ऑफ मेजरिंग सरफेस फिनिश, ये सरफेस फिनिश मेजर करने की अलग अलग मेथड्स है हमारी। तो देखिए पहला मेथड है सरफेस इंस्पेक्शन बाय कंपैरिजन मेथड, दूसरा मेथड है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड, और तीसरा मेथड है अदर मेथड मेथड ऑफ मेजरिंग सरफेस फिनिश। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अदर मेथड से। तो अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग सरफेस फिनिश, देखिए टर्म यूज्ड इन सरफेस रफनेस मेजरमेंट। अब देखिए ये जो एक सरफेस दिखा रहा है आपको, ये सरफेस एक यानी इसमें जो छोटी छोटी चीजें जो इन्फॉर्म दिखा रहे हैं, ये एक सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जब भी हम लोग कोई चीज को मशीनिंग करते हैं तो आपको भले सरफेस ऐसा स्मूथ दिखेगा, लेकिन जब हम लोग उसको माइक्रोन्स में देखते हैं तो माइक्रोन्स में छोटी छोटी चीजें उसमें दिखती है, तो उसमें फ्लॉ होता है, उसमें ले डायरेक्शन होता है, रफनेस हाइट, रफनेस वेट, वेवीनेस हाइट, वेवीनेस वेट, है ना, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब ये सब चीजें क्या क्या है ये अपने को अभी आगे पढ़ना है। सिर्फ डायग्राम ध्यान में रखिए कि जैसा ये लेस लेस क्या कहाँ पे दिया है, इसका डायरेक्शन फ्लॉ कहाँ पे दिया है, रफनेस कहाँ पे दिया है, वेवीनेस कहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर से। तो प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर क्या होता है, तो दीज आर द इरेगुलरिटीज ऑफ स्मॉल वेवलेंथ प्राइमरी टेक्सचर। हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आता है, ये 2 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स के लिए। तो आपको ये प्राइमरी टेक्सचर लिखना है, सेकेंडरी टेक्सचर लिखना है और डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये पहला डायग्राम जो था सेम, ये डायग्राम भी सेम ही है। सो प्राइमरी टेक्सचर किसको कहा जाता है, जो इरेगुलरिटीज होती है स्मॉल वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ मतलब क्या, तो देखिए आप लोगों ने ये एक लाइन मीन लाइन है। अब ये जो वेव स्मॉल वेव लेंथ, ये जो वेव लेंथ है ना, ये जो ऊपर नीचे वेव जा रही है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना। तो जब ये छोटी छोटी रहती है तो इसको कहा जाता है प्राइमरी टेक्सचर, और यही वेव लेंथ जब ऐसे बड़े साइज में रहेगी तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी टेक्सचर। इरेगुलरिटीज ऑफ स्मॉल वेव लेंथ मतलब जब भी मीन लाइन से ये जो वेव लेंथ है ये ऊपर नीचे जाएंगे, मतलब सरफेस को हम लोग किस फॉर्म में गिनते हैं, जो मेन लाइन से ऊपर नीचे सरफेस होगा, है ना। तो ये छोटे जब ये हाइट जो मैंने आपको बताया कि टेक्सचर क्या होता है, तो मेन लाइन से ऊपर अगर जाता है उसको हिल्स कहा जाता है, और नीचे जाता है तो उसको हाइट वैलीज कहा जाता है। तो ये जो हिल्स और वैलीज है ये छोटी छोटी जब रहेंगे तो उस सरफेस को कहा जाता है प्राइमरी टेक्सचर, उस सरफेस को क्या बोलते हैं प्राइमरी टेक्सचर, और जब यही चीजें थोड़ी बड़ी स्पेसिंग की होती है उसको कहा जाता है सेकेंडरी टेक्सचर, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज रफनेस, इसका दूसरा नाम क्या होता है प्राइमरी टेक्सचर का, दूसरा नाम होता है रफनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, इसका तीसरा नाम, इसको क्या बोला जाता है माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर।
इररेगुलरिटीज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर दैट इज फीड मार्क ऑफ कटिंग टूल। अभी आती किस वजह से है, तो इसका रीजन है फीड मार्क ऑफ कटिंग टूल। जैसा कि आप लोगों ने अभी लेथ मशीन वगैरह देखा नहीं होगा, लेकिन लेथ मशीन पे क्या किया जाता है कि जॉब रहता है वो वर्क पीस रहता है वो गोल गोल घूमता है, और एक कटर रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसको हम लोग उससे टच करते हैं, जिस वजह से उसमें से मटेरियल निकाला जाता है जो हम लोगों ने पहले डायग्राम देखा हो। तो प्राइमरी टेक्सचर के किस वजह से होता है, तो देखो फीड मार्क्स ऑफ कटिंग टूल्स रैप्चर्स ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल जैसे रैप्चर्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, आप लोगों ने पेंसिल छिला होगा हमेशा देखा होगा कट करते हुए शार्पनर से। अब देखिए जब पेंसिल का वो जो लेयर निकलता है शार्पनर शार्पनर करते समय, तो वो कंटिन्यूस लेयर निकलता है, लेकिन जिस जगह से वो टूटता है वहां पे देखो सरफेस थोड़ा सा रफ हो जाता है, उसको कहा जाता है रैप्चर ऑफ मटेरियल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चिप। उसको क्या बोलते हैं, रैप्चर ऑफ मटेरियल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चिप। तीसरा है डायरेक्ट एक्शन ऑफ कटिंग टूल फ्रिक्शन वियर करोजन टूल फीड रेट। ये फ्रिक्शन पता है आप लोगों को, एक मेटल दूसरे के ऊपर घिसता है तो वियर और फ्रिक्शन होता है। करोजन मतलब जंग लगना। टूल फीड रेट मतलब होता है कि कितना स्पीड से वो टूल डॉप को कट करते हुए जा रहा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। द इवोल्यूशन ऑफ सरफेस फिनिश इज बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द इररेगुलरिटीज। मतलब ये वही कह रहा है कि ये किसके ऊपर इवेल्युएट करना, ये प्राइमरी टेक्सचर को इवेल्युएशन मतलब क्या होता है, इवेल्युएट मतलब कैलकुलेट करना किसके ऊपर बेस्ड है, हाइट कितनी ज्यादा है और कितना कम है, यानी कितनी हाइट है और कितनी छोटी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी टेक्सचर, सेकेंडरी टेक्सचर होता है दीज आर द इररेगुलरिटीज ऑफ कंसिडरेबल वेवलेंथ। इसको इससे क्या होता है, ये देखो ये जो छोटी वेवलेंथ है ये प्राइमरी टेक्सचर है, और थोड़ी बड़ी वेवलेंथ रहेंगी वो सेकेंडरी टेक्सचर रहेगी। दीज आर द इररेगुलरिटीज ऑफ कंसिडरेबल वेवलेंथ, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज वेविनेस। इसका दूसरा नाम क्या है, वेविनेस। अब एक चीज ध्यान में रखना, रफनेस अगर आता है तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है, वेविनेस अगर आता है तो आपको सेकेंडरी टेक्सचर का डेफिनेशन लिखना है। These are the irregularities of the larger wavelength. इनका wavelength कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, large होता है। It is also called as macro geometrical error. इनका दूसरा नाम क्या होता है, micro, macro, MACRO. दोनों में ध्यान रखना, इसमें micro है primary में, यहाँ पे macro है। These are caused due to the irregularities of first and second order. ये किस वजह से आता है, due to first and second order. तो ये क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज द ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ गाइड वे ऑफ द टूल, वेट ऑफ द मटेरियल, इट इज सेड ड्यू टू द वाइब्रेशन एंड चार्टर मार्क्स। मतलब ये देखिए ये जो पार्ट्स दिखे है ना, ये जब तक आप लेथ मशीन पे जाओगे तब आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। जब भी हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है तो हम लेथ मशीन पे हमारे प्रैक्टिकल्स है, तब मैं आपको ये पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस इन सेटअप, जो अगर मशीन अपनी सेटअप नहीं हुई प्रॉपरली, मिसअलाइनमेंट ऑफ सेंटर, दो सेंटर्स जिसके बीच में जॉब लगता है वो अगर मिसअलाइन हो गए, लैक ऑफ स्ट्रेटनेस इन गाइड वे, जो गाइड वे होता है वो स्ट्रेट नहीं है, नॉन लीनियर फीड मोशन, ये सब चीजें जो है वो आपको मशीन के ऊपर पता चल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी ये हम लोगों ने अभी पढ़े थे रफनेस और वेवीनेस, प्राइमरी टेक्सचर मतलब होता है रफनेस, सेकेंडरी टेक्सचर मतलब होता है वेवीनेस, तो आप वो डेफिनेशन लिखो या ये डेफिनेशन, दोनों भी डेफिनेशन सेम ही है। उसके बाद फ्लॉज, फ्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लॉ इज इररेगुलरिटीज विच ऑकर एट वन प्लेस और एट अ रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट और वाइडली वेरिंग इंटरवल इन सरफेस। फ्लॉ मतलब क्या होता है कि एक सरफेस सरफेस के अंदर, जैसा फ्लॉ को मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, एक दीवार बनी है, दीवार के ऊपर आप लोगों ने स्मूथ सा ऐसा पेंट बनाया है। ठीक है, अब उस पेंट के अगर किसी एक जगह से अगर वो पेंट उखड़ जाए, छोटा सा उसमें पेंट निकल जाए, तो वो सरफेस कैसा दिखेगा, बाकी सब स्मूथ दिखेगा, लेकिन वो उतना एक पार्ट जो लगेगा जहां से वो पेंट निकला हुआ है उसको कहा जाएगा फ्लॉ। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ले। इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न ऑर्डिनरली डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज। ये पैटर्न होता है जैसे आप सर्कुलर बना रहे हो, पैरेलल बना रहे हो, परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है ये। हाँ, ये चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी टेक्सचर, सेकेंडरी टेक्सचर, वैसा ही रफनेस, वेविनेस, फ्लॉ, ले, ये चार मार्क्स के लिए डेफिनेशन आएंगी। आपको एक एक लाइन में इसका डेफिनेशन लिखना है और ये जो डायग्राम है ये बनाना पड़ेगा साथ में। इसमें नहीं भी बनाया लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अभी देखिए ये जो हम लोगों ने बात की थी, ये लाइन को कहा जाता है मेन लाइन, में सरफेस चाहिए था ऐसा, लेकिन सरफेस क्या होता है, इससे कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी सो ये कभी बड़ा रहता है साइज, कभी छोटा रहता है ना। यहाँ पे देखिए छोटा सा साइज है, यहाँ पे बड़ा साइज है, यहाँ पे थोड़ा इररेगुलर साइज है ना। अब ये क्या होता है, हमें आंखों से उतना क्लियर दिखता नहीं है, लेकिन ये
जब हम लोग, जैसा आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको हाथों को ये महसूस हो सकता है ना। लेकिन ये सब, ये जो पार्ट है, इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो ये जो टॉप सरफेस है इसको हिल्स कहा जाता है, और ये जो बॉटम सरफेस है इसको वैलीज कहा जाता है। तो ये जितने पास पास में छोटे और पास पास में रहेंगे उतना हो जाएगा रफनेस, और ये जितने बड़े और दूर दूर रहेंगे उसको कहा जाएगा ये वेवनेस। तो ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर के पॉजिटिव, जीरो लाइन के नीचे के निगेटिव, ठीक है। जैसा अब ये सैम्पलिंग लेंथ क्या है, जैसा हमें मेजरमेंट करना है, इन सब चीजों का मेजरमेंट करना है, तो ये पूरे सरफेस का मेजरमेंट नहीं किया जाता है, एक टोटल उसमें से सैंपल लेंथ लिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और फिर उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है, और वो इवेल्युएशन पूरे सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स? ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये आपको ये सरफेस है जो मीन लाइन से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे है। समझ आया ना? ये जितना बड़ा, ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ये वेविनेस की तरफ जाएगा, ये छोटे छोटे रहेंगे उतना ये रफनेस की तरफ आएंगे, ठीक है। और ये सैम्पलिंग लेंथ मतलब वो लेंथ जिसका हमें मेजरमेंट करना होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, सैम्पलिंग लेंथ और ट्रांसवर्सिंग लेंथ। सो सैम्पलिंग लेंथ इज द लेंथ ऑफ प्रोफाइल नेसेसरी फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इरेगुलरिटीज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। दिस इज आल्सो नोन एज कट ऑफ लेंथ इन रिगार्ड्स ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसके थोड़े छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये पूरे सरफेस के ऊपर हम उसको एक साथ, क्योंकि बहुत माइक्रोन्स में वेरिएशंस है, तो पूरे सरफेस पे हम लोग उसको एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग लेंथ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसवर्सिंग लेंथ मतलब ये टोटल सरफेस का लेंथ हो गया। ट्रांसवर्सिंग इट इज अ लेंथ ऑफ प्रोफाइल नेसेसरी फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द सरफेस रफनेस पैरामीटर। द ट्रांसवर्सिंग लेंथ में इंक्लूड वन और मोर सैम्पलिंग लेंथ। अब देखिए ट्रांसवर्सिंग लेंथ मतलब क्या होता है, हमें पूरा ये सरफेस मेजर करना है। लेकिन हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, इतना सैम्पलिंग लेंथ लिया, फिर इतना सैम्पलिंग लेंथ लिया, फिर इतना सैम्पलिंग लेंथ लिया, ठीक है ना। तो ये सैम्पलिंग लेंथ लेके हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, और फिर उसको पूरा ट्रांसवर्सिंग लेंथ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये वैसे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आर ए वैल्यू, पहला वैल्यू हमारा आर ए वैल्यू, ये चार वैल्यूज अपने, चार डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर ए वैल्यू, आर जेड वैल्यू, आर एम एस वैल्यू एंड सी एल ए वैल्यू, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है थोड़ा सा, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। सो पहला है आर ए वैल्यू, इट इज द अरेवर्ट मीन डिविजन ऑफ सरफेस प्रोफाइल फ्रॉम मीन लाइन। मैथमेटिकली आर ए वैल्यू इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर अप टू वाई एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो देखिए क्या होता है, ये सरफेस है, ए से लेके बी तक हमारा सरफेस है, हम लोगों ने उसके ऊपर ये टेक्सचर है, कभी ऊपर कभी नीचे गया, और हमें सैम्पलिंग लेंथ मिला हुआ है ये। अभी हमें क्या करना है, एल से जितना भी है डिस्टेंस है, इसमें हमको गिनना है कि ये वैल्यू वैल्यू कितना है, आर ए वैल्यू निकालना है। तो आर ए वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये हिल्स और वैलीज है इसको इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो पहला स्टार्ट होगा वाई वन से लेके वाई टू वाई थ्री वाई फोर अप टू जाएंगे ये वाई एन तक, कितना भी जा सकता है। तो लास्ट वाला रहेगा वाई एन, उसके पहले का रहेगा वाई एन माइनस वन, और हमको निकालना क्या है, आर ए वैल्यू। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए जितने भी हम लोगों ने डिवाइड किया है इन सब का हमको एडिशन करना है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई। हाँ एक बात ध्यान में रखना है इसमें, कि ये टॉप में रहे या बॉटम में रहे, यहाँ पे साइन हमेशा प्लस का आएगा या माइनस का साइन आएगा नहीं, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूजन हो सकता है कि टॉप वाले प्लस बॉटम वाले माइनस, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे जितने भी है सबका सिर्फ एडिशन करना है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर अप टू वाई एन तक, और उसको डिवाइड करना है टेन से, तो आपको मिल जाएगा आर ए वैल्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरजेड वैल्यू। सो आरजेड वैल्यू देखिए क्या करना होता है, आरजेड वैल्यू में बहुत सिंपल है। इन दिस मेथड एवरेज डिफरेंस बिटवीन फाइव हाईएस्ट पीक एंड फाइव लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द सरफेस टेक्सचर विद इन अ सैंपलिंग लेंथ मेजर्ड फ्रॉम अ लाइन पैरेलल टू द मीन लाइन एंड नॉट क्रॉसिंग द प्रोफाइल। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखिए क्या करना है, जो हमारा सैंपलिंग लेंथ है उसमें जितना भी टेक्सचर आ रहा है उसको पांच हाईएस्ट वैल्यूज लेना है, हाईएस्ट पीक्स लेना है और पांच लोवेस्ट वैल्यूज लेना है। तो हाईएस्ट पीक को हम लोग नाम दे देंगे ऑड के, आर वन आर टू आर थ्री आर थ्री आर फाइव सॉरी आर वन आर थ्री आर फाइव आर सेवन आर नाइन, और वैल्यूज को नाम देंगे इवन के, आर टू आर फोर आर सिक्स आर एट एंड आर टेन। हमें करना क्या होता है, ये हाईएस्ट पीक्स को एडिशन करना है, लोवेस्ट वैल्यूज को एडिशन करना है, और दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय फाइव। तो ये हो जाएगा हमारा 10 पॉइंट हाइट एट रेगुलरिटी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये आगे बढ़ते हैं फिर, सेंटर लाइन एवरेज मेथड। सेंटर लाइन एवरेज मेथड मतलब जैसे हम लोगों ने आर ए फाइंड आउट किया था उसी को कहा जाता है सी एल ए वैल्यू मेथड भी। इसमें भी हमें क्या करना होता है,
सरफेस रफनेस पे कैलकुलेट करना है, तो इसमें भी हम लोग जो सैम्पलिंग लेंथ है उसके हिल्स और वैलीज है उसको 1, 1, 2, 3, 4 के नाम से डिवाइड करते, सो वहाँ पे H1 या Y1 नाम दे देंगे, तो H1, H2, H3, H4 अप टू Hn डिवाइडेड बाई n। हम लोगों ने आरए में Y1 लिया था, यहाँ पे भी आप Y1 Y2 ले सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सर्फेसेस होते हैं, उसको फिर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम लोग उसमें नया इन्वेंशन किया था कि जितना भी टॉप सरफेस है उसको Area 1 नाम दे देते, बॉटम सरफेस है उसको Area 2 नाम दे देते, टॉप सरफेस है फिर, है ना, ऐसे इसको नाम से डिवाइड किया गया। तो फिर CLA क्या होता है, तो ये A1, A2, A3, A4, A5 जितना भी लेंथ रहेगा उन सभी के एरियाज का एडिशन अप टू कहाँ तक जाएंगे वो AN तक डिवाइडेड बाय सैम्पलिंग लेंथ, तो इससे मिल जाएगा हमें सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू। ये याद रखना ये न्यूमेरिकल्स में आता ही है, फॉर्मूला क्या है इसका, तो जितने भी ऑर्डिनेट्स दिए हैं इन ऑर्डिनेट्स का एडिशंस डिवाइडेड बाय एन या एरियाज डिवाइडेड बाय एन। आगे बढ़ते हैं रूट मीन स्क्वेयर मेथड। रूट मीन स्क्वेयर मेथड ये भी पेपर में आता है हमारा, एक तो डेफिनेशन भी आती है, न्यूमेरिकल में आता है CLA और RMS वैल्यू। सो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। रफनेस, सरफेस रफनेस इज द मेजर एज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस। इसका डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज रूट स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द सरफेस मेजर फ्रॉम मीन लाइन। इसका मतलब होता है जो ऑर्डिनेट्स हम लोग मीन लाइन से मेजर करते हैं इन सब का स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरे इक्वेशन का स्क्वायर रूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन, तो इसको कहा जाता है RMS वैल्यू। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल देखिए, इसका न्यूमेरिकल है ये, इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस हाइट ऑफ 18 सक्सेसिव पीक एंड वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम आर एज फॉलोज। ये वैल्यू वैल्यू दिया हुआ है 18 पीक्स और वैलीज के मिला के, तो हमें इसका CLA और RMS वैल्यूज निकालना है। तो CLA वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Y1 + Y2 + Y3 up to Yn तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने वैल्यू, टोटल वैल्यूज कितनी थी अपनी 18, इसलिए यहाँ पे देखिए ये 49 हो गया Y1, फिर 27 Y2, Y3, Y4, Y2 अब का कहाँ तक जाएगा अप टू Yn तक, और डिवाइडेड बाय रहेगा 18, तो इसका आंसर आएगा CLA वैल्यू का 35.33 यूनिट्स, ठीक है ना। अब RMS का फॉर्मूला क्या था अपना, कि अंडर रूट उसके अंदर Y1 का स्क्वायर प्लस Y2 का स्क्वायर अप टू Yn तक के स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया अंडर रूट Y की जगह यहाँ पे आएगा 49 का स्क्वायर, Y2 की जगह आएगा 27 का स्क्वायर अप टू Yn रहेगा 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, तो इसका वैल्यू रहेगा RMS 36.45 यूनिट्स। यहाँ पे MM वगैरह कुछ दिया नहीं इसलिए यहाँ पे यूनिट लिखा होगा, अगर MM दिया रहता, सेंटीमीटर दिया रहता, तो वहाँ पे लिखा रहता सेंटीमीटर या MM। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ये भी वही न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए क्या दिया है, सरफेस रफनेस हाइट ऑफ 20 सक्सेसिव पीक्स एंड वैलीज, 20 सक्सेसिव पीक्स और वैलीज के हाइट्स दिया है यहाँ पे 45, 25, 35 अप टू 38। अब बोल रहा है इसको डिटरमाइन CLA एंड RMS वैल्यूज निकालो, तो CLA वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, H1 + H2 + H3 + up to Hn डिवाइडेड बाय n। सो CLA वैल्यू का क्या आ जाएगा, 45 + 25 + 35 आपको कहा जाएगा 38 डिवाइडेड बाय, टोटल कितने ही है 20, इसलिए यहाँ पे n की जगह आएगा 20। RMS में Y1 स्क्वायर + Y2 स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए यही H1 Y1 सेम है, सो Y1 की जगह क्या आएगा 45 और उसका स्क्वायर, Y2 की जगह 25 उसका स्क्वायर, Yn की जगह 30 उसका स्क्वायर, हाँ, और डिवाइडेड बाय 18 सॉरी डिवाइडेड बाय 20 और उसका अंडर रूट, तो इसका आंसर आएगा 30.5। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आता है और सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सो कोई भी इसको स्केप नहीं करेगा, सभी को ये सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक एंड करते हैं, ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है कॉपीज में, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चंस पेपर में कोई भी दो क्वेश्चन, मिनिमम दो क्वेश्चन आएंगे, तो इसको छोड़िएगा नहीं, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको सॉल्व करिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन मेथड। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।